मैं मनुष्य के जीवन का एक ऐसा अनमोल वक्तव्य देना चाहता हूँ जो व्यक्ति जीवन में पाकर, जीवन में समझकर, जीवन में उतार के जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। भोले भाव मिले रघुराई, सीधी सी बात, आप जो चाहते हो वही हो, ईश्वर जो चाहता है वह तुम करो, जो तुम चाहोगे वो ईश्वर करेंगे। बहुत सीधी सादी समझौता है। प्रकृति जो चाहती है वो तुम करो, आप जो चाहोगे प्रकृति वो करेगी। प्रकृति के अनुरूप जीवन चले तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति खुद करने के लिए बेताब है। एक बहुत छोटी सी समीकरण है, इसे समझ लें। H2O केमिस्ट्री का यह समीकरण है जिसे हम जल कहते हैं। एच की दो मात्रा, ओ की एक मात्रा जैसे मिलती है तो जल मिल जाता है, जल बन जाता है। उसी प्रकार हम परमात्मा के अंश हैं। जब हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के द्वारा बने हैं, परमात्मा मुझे बनाई है, प्रकृति से बने हैं, प्रकृति मुझे बनाई है, तो फिर प्रकृति के विपरीत जाकर के कोई भी कार्य करना तो प्रकृति कैसे सहन कर सकती है? फिर आप जो चाहोगे वह नहीं हो सकता। बिल्कुल सीधी सादी सी बात है, एक बहुत छोटा सा यह फॉर्मूला है, अपने जहन में, अपने दिमाग में उतार ले कि प्रकृति जो चाहती है वो आप करो। तो जब प्रकृति से आप बने हो, प्रकृति के कण कण से आप बने हो, प्रकृति के एक एक अंश से आप बने हो, तब फिर प्रकृति के विपरीत जाने की बात ही नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति विपरीत जाता है, प्रकृति के विपरीत होने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो चाहेगा वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति जो चाह रही है वो आप नहीं कर पा रहे, वो नहीं करना चाहते, उससे विपरीत होकर के करना चाहते। तो इसलिए कहा गया है कि भोले भाव मिले रघुराई, ईश्वर चाहते हैं, रघुराई से मिलना चाहते हैं। तो रघुराई कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सीधा सा फॉर्मूला है कि भोले भाव हो जाओ, जहां कोई भी मिलावट नहीं है, प्योरिटी, शुद्धिकरण, निर्मलता, प्योर। जब ये चीज आपके अंदर आएगी तो रघुराई से दर्शन होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो 100% प्रमाणित है, जो सारे विज्ञान इस चीज को मानता है, जैसे हमने H2O का उदाहरण दिया, तो जब भी उसका रूप बदलेगा, जब भी वो उस रूप के बाद अपने रूप में आएगा तो H2O में ही आएगा। तो परमात्मा के अंश हम हैं, परमात्मा के संतान हम हैं, हमारे पिता मालिक हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, भाई गुरु है। तो फिर हम जब उसके संतान हैं, फिर कैसी चिंता? आप जो चाहते हो वही होगा, परमात्मा करेंगे, परमात्मा करते हैं, किसी के कोई बस में नहीं है। एक सांस कोई व्यक्ति एक सांस नहीं ले सकता है, तो फिर बहुत व्यापकता में अपने को लाकर के कुछ करना चाहता है प्रकृति के विपरीत, तो ये संभव नहीं। दुनिया की तमाम घटनाएं दृश्य और अदृश्य रूप में जो हो रही है, हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, तभी सब चीज हो रहा है। जलवायु बदल गई, मौसम बदल गया, बारिश के जगह पे गर्मी हो रही है, जहां रेगिस्तान में
तपती धूप होती थी वहां बारिश हो रही है, जगह जगह प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं। तो जीवन की वही तत्व को समझना है। आप एक छोटी सी बात समझो, परमात्मा कितने महान है, कितने बड़े हैं। एक बच्चा जन्म लेने वाला है तो प्रकृति उसकी विधान कैसी रचती है। बच्चा जन्म लेगा, साल दो साल कुछ खाएगा नहीं, भूखा मर जाएगा। उसके पहले माता पिता को भेजता है, माँ के गर्भ में धारण करते ही माँ के स्तन में दूध आने लगता है। तो विधाता कितनी रचयिता है, एक एक चीज उन्होंने रचा है वह अनमोल है। जो एक एक चीज दिया है वो अनमोल है। नाहक हम अब उसमें हस्तक्षेप करके, चिंताग्रस्त होकर के, तनावग्रस्त होकर के, समस्याग्रस्त होकर के अपने जीवन को, इस शांतिमय स्वरूप को, इस अनमोल जीवन के रत्न को हम नष्ट कर रहे हैं। चाहते वही हो, वह हो, तो सीधी सी फॉर्मूला है ना। किसी से प्यार चाहते हैं तो प्यार देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, समझे, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तुझे लग जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है, वो कितनी समर्पण है, कितना भोलापन है, कितनी सूक्ष्मता है उसमें। कुछ भी चाहत नहीं है, कितना अपनापन है, कितना आत्मविघोरता है कि वह खुले रूप में चैलेंज कर रहा है, बोल रहा है। कितना भोला है वो कि मैं ऐसा चाहता हूं राम से कि मेरी निंदिया भी तुमको लग जाए। सोचो, जीवन के एक एक पल जो परमात्मा दिया है वह कितना अनमोल है, जिसका मूल्य नहीं चुका सकते। जीवन के इस धरोहर को हम जितने ही सुरक्षित रखेंगे, प्रकृति अपने गोद में लेकर हमें उतना ही आनंदित रखेगा। प्रकृति का सारा विधान मेरे लिए रचा गया है, प्रकृति ही मेरे लिए है, परमात्मा ही मेरे लिए है। आज माता पिता प्रत्येक पल मेरे साथ रहते हैं, साथ नहीं रहते हुए, क्योंकि हम उनके अंश, उनके पिंड हैं। तो जब माता पिता पल पल उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो वह मालिक जो सारी जहान को रचा है वह तो हर हमेशा मेरे साथ है। एक बात समझने की केवल है, यह बात दिमाग में उतर है। किसी से प्यार चाहते हो, प्यार दो, प्यार मिलेगा। किसी से आप गहरा संबंध चाहते हो तो तुम्हें भी समर्पण, उसे भी समर्पण करना होगा। समर्पण में ही दुनिया है। जरा सा छंदस आपको उससे बहुत दूर ले जाएगा। इसलिए हे बंधु, आप अनमोल हो, आपका जीवन अनमोल है, आपके रचे हुए सारे चीज अनमोल है, क्योंकि आप परमात्मा के संतान हो। अपने लिए तो आप जीवन भर जी रहे हो, दूसरे के लिए भी जियो, प्यार बांटो, और आगे जीवन में तुम्हें प्यार ही मिलेगा। जैसे एक कहावत कही गई है, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा, कांटा मिलेगा, आम बोओगे तो आम मिलेगा। एक सीधी सी फॉर्मूला है, इसी पर पूरा जो है सो गीता का सार है। परमात्मा हर हमेशा एक धर्म के प्रति समर्पित है, न्याय के प्रति समर्पित है, उनकी संविधान के प्रति समर्पित है। प्रकृति के संविधान को जब हम तोड़ते हैं तभी ये कृत्रिम संविधान हमें दंडित करता है। तो प्रकृति के संविधान को तोड़ने की आवश्यकता क्या है, सारा जहान आपको दिया गया है, सब आपका ही है। प्रकृति कुछ नहीं अपने लिए चाहती, लेकिन जब आपके लिए बनाया है और आप उसे नष्ट करना चाहते हो, अपने जीवन को आप नष्ट करना चाहते हो, अपने इर्द गिर्द क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया सब चीज लगाए हुए। मैं ये नहीं कहता यह जीवन बिना अर्थ का चल सकता है, अर्थ तो आवश्यक है ना,
लेकिन अर्थ प्रकृति के द्वारा हो, प्रकृति के अनुरूप हो। मेहनत करोगे तो फल मिले। आज एक बीज कोई बोते हो आम का, तो वह फल देगा ही, प्रमाणित है। परिणाम का आप चिंता बिल्कुल छोड़ दो, कर्म करो। कर्म रूपी यज्ञ जो है वह आप करते जाओ, फल रूपी परिणाम मालिक के हाथ में है, और उस परिणाम के लिए ही मालिक हर हमेशा तत्पर रहते हैं। जीवन जीने की कला ही तो जिंदगी है। अगर जीवन जीने की कला हम भूल गए तो फिर जिंदगी तो नरक है। आप चाह करके भी सोच के भी अपने जिंदगी को नहीं संवार सकते। चाहते हो वही हो, तो प्रकृति जो चाहती है वो तुम करो, ईश्वर जो चाहते हैं वो तुम करो। प्रकृति के अनुरूप जीवन जियो, प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालो, ईश्वर के अनुरूप अपने आप को ढालो। एक मूर्ख चरवाहा प्रतिदिन जाता था गौ चराने के लिए, और वहां भगवान को अपना भोग लगा करके एक पत्थर रख करके और बोलता था ईश्वर आ जाओ। ईश्वर को आना पड़ा, तो वही भोलापन है, पता नहीं कुछ। हमें तो उस पत्थर में भगवान दिख रहा है, हमें विश्वास है कि होगा तो वो होगा। तो तुम शांतिमय बहुत ही ठंडे दिमाग से तनाव रहित होकर के, निश्चल होकर के, प्रसन्न होकर के जीवन को जियोगे तो प्रसन्नता जीवन देगी आपको, खुशी आपको देगी, शांति आपको देगी, सुख आपको देगी, समृद्धि आपको देगी। तो बस आज का इतना ही, फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।